no deal. Thank you. Hello and welcome back to the channel. Hope you all must be doing absolutely fine. ये देखिए आस्टिंग रे वो ये क्या है लगता है इन लोगों ने यहाँ डाला है Shipwreck जैसे कुछ है और एक flying horse है This is the actual submarine experience, you know. क्योंकि बहुत सारे boats हैं जो submarine कह के ले जाते हैं, but उनके सिर्फ bottom half ही पानी के अंदर रहते हैं। उससे आप इतना अच्छा view नहीं देख पाएंगे, जितना एक actual submarine में देख पाएंगे, जो पानी के 20-25-30 meter नीचे जाकर आपको actual feel दिखा सके। Best है, it's amazing experience. ये एक्सपीरियंस मैंने फिलीपींस में भी किया था मैं खुद पानी के अंदर गया था और इस तरह से ब्रेड क्रम्स खिलाए थे फिश को वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मैं जल्दी ही वो वीडियो भी डालूंगा वैसे वो वीडियो नहीं पिक्चर्स हैं सो आई विल मेक इट अ वीडियो करीब 10 साल पुराना वीडियो पिक्चर्स होंगे वो अमेजिंग बहुत ही अच्छा फील आता है जब फिश आपके हाथ से ब्रेड क्रम्स या फिश के छोटे पीसेस खाते हैं एंड बाइट करते हैं टिक 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 बहुत मज़ा आता है Stingray, big stingray. What, Люда, what, Люда? Look, kitna bada stingray hai. लगता है स्टिंगरे देख के ये भाई साहब भी रुक गए थे क्योंकि डेंजरस होते हैं स्टिंगरे
जैसे स्टिंग रेट गायब हुआ ये फिर चालू हो गए अपना शो से. शिप लग रहा है ये तो एक शिप रेक पूरा का पूरा एक शिप रेक है ये. पीछे देखें इससे अंदाज़ा होगा हम कितने नीचे हैं पानी के. ये सबमरीन बनते ही ऐसे हैं ताकि एक्सट्रीम फोर्स सह सकें क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज़बरदस्त फोर्स होता है. ये देखें इस छोटे से माउंटेन का हाइट देख के आप समझ जाएंगे हम कितने नीचे हैं पानी के. ये देखिए सी हॉर्स जैसा कुछ बना कर रखे हुए हैं लोग. कुछ अननेचुरल चीज़ें भी रखे हुए लग रहा मुझे जैसे ये तो कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता है. Amazing experience. Very near to nature. Thank you.
Fish, देखिए एंड देखिए अंदर एक स्टिंगरे छुपा हुआ है वहाँ पे देखिए ट्रेजर चेस्ट अंदर कबाड़ भरे हुए हैं वाह इसकी ऊंचाई देखिए क्या है ये पता नहीं शायद पलटा हुआ बोट है या पता नहीं क्या है ये क्या ये नेचुरल है या अननेचुरल ये भी नहीं समझ में आ रहा है अजीब सा स्ट्रक्चर है ये कॉर्नर्स देखिए एक और वो ट्रैक मैं शायद बताना भूल गया ये पूरी ट्रिप होटल से पिकअप एंड ये सबमरीन राइड एंड देन ड्रॉप ऑफ करीब 3 घंटे का चक्कर है और इट कॉस्ट अराउंड $40 अराउंड क्या $40 ही लिया था इन्होंने मुझसे
अगेन सम ब्लू है पानी 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 यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है यार, जबकि इसका नाम रेड सी है और ये है ब्लू सी। एक्चुअली रेड सी इसलिए है क्योंकि जो एल्गी है इसमें सी वाटर में जो एल्गी है उसके वजह से वाटर रेड दिखता है, बट फिलहाल तो मुझे यहाँ सब कुछ ब्लू ही दिख रहा है। ये हुरघाडा सिटी है, थैंक यू। यस थैंक। और सबमरीन टूर के बाद बैक टू होटल फॉर लंच एंड देन चेक आउट। This is the lagoon, swimming pool, then lagoon, then sea. Chefs are getting ready for the lunch. ये है वो restaurant जहाँ mostly lunch या breakfast लेते हैं। There is one restaurant over there. Dinner and you know, sweet dishes वहाँ अच्छे होते हैं, so dinner में वहाँ लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू होटल एंड रिसॉर्ट, देन स्विमिंग पूल एंड किड्स प्ले रूम, देन ये है लगून और दिस इज कनेक्टेड टू द सी। फ्लोइंग वाटर जो कि सी से कनेक्टेड है, इस वजह से बहुत ही क्लीन होता है, खूबसूरत। एक और व्यू जहाँ पे ये लगून सी से कनेक्ट होता है। अगली मंजिल है लक्सोर, सो गोबस में सवार होकर मैं चला लक्सोर के ओर एंड लक्सोर में मैंने चेक इन किया होटल नेफर्टिटी में जो कि एन लक्सोर टेंपल के सामने ही है। बालकनी है। यस। वाह। हां, नाइल रिवर। सुबह दिखाता हूँ। और ये मार्केट है। मेरे ख्याल से नाइल रिवर दिख रही है और सुबह दिखाते हैं क्या है उधर। हिबिस्कस टी एट नेफर्टिटी। और ये है फेमस बाबा गनूस विथ ब्रेड। लेट्स ट्राई इट। और हिबिस्कस टी तो चालू है, अच्छा है हिबिस्कस, खट्टा मीठा। ये है रिवर नाइल का पहला नज़ारा और पीछे आप देख सकते हैं द किंग्स वैली। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी
हौसला अफजाई होती रहे और मैं ऐसे ही ढेरों वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। सो सी यू इन नेक्स्ट। शुक्रिया। ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है लक्सोर टेंपल का, क्लियर व्यू कल दिखाता हूँ आपको।